आज दोपहर में 3 बजे मुझे शब्बी नगर के रहने वाले हमारे जो एक साथी है उसका कॉल आता है, कामरान भाई का। वो ऐसा बताते हैं गुलाब पार्क जो अपने मालदा के पीछे, वहाँ पर एक अमजद नाम के लड़के ने फांसी ले लिया, ऐसा मालूम पड़ा। फिर वहाँ पर हम पहुँचे, मेरे साथ तौसीफ, कामरान, नदीम, वसीम पठान और सुलेमान पहलवान जो हमारे खास सोशल वर्कर है वो पहुँचे। हम लोगों ने वहाँ पर देखा तो वहाँ ऐसा मंजर देखा कि अंदर से पूरा बंद था। तो वसीम बागवान, हम लोगों ने दरवाजे को पहले, एक दरवाज़ा था वो दरवाजे को पहले तोड़ा, फिर उसके बाद दूसरे दरवाजे को तोड़ा और अंदर देखा तो अमजद नाम का ये नौजवान फांसी पे लटका। तो मैंने तुरंत पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया और शफीक भाई, हमारे शफीक एंटी करप्शन को भी कॉल करा मैंने। शफीक भाई ने तुरंत वहाँ पर एम्बुलेंस भेजी। तो जब ये तफसील मालूम पड़ी, वहाँ पर जो उसका साला था जिसका इंतकाल हुआ, जिसने फांसी लिया, तो रमज़ान, उससे मैंने पूछा तो उसने ऐसा बताया कि 4 दिन हुए कि उसकी जो बीवी है वो डिलीवरी हुई है, दवा खाने में एडमिट थी। रात को उसको घर पे लाए, घर पे वो जो बोलने लगा, ज़िद करने लगा कि चल अभी घर पे, उसने बोली कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, कल या परसों में थोड़ा ठीक लगेगा तो आ जाओगी। बस ये वजह अभी तक मालूम पड़ी, बाकी अपने शफीक भाई बताएंगे। 3:30 बजे के करीब में रियाज अली साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि यार ऐसे ऐसा मामला हो चुका है यहाँ पे। तो उस वक्त तो मैं रियाज अली साहब से कहा कि आप लोगों ने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया, तो इन्होंने कहा कि हाँ हम लोगों ने किया है। मैं बोला फिर भी मैं पीआई साहब को कॉल करता, पावरवाड़ी पीआई साहब को हम लोगों ने कॉल किया और रियाज भाई और इनकी टीम ने वहाँ पर दरवाज़ा वगैरह तोड़ के उसको बाकायदा वीडियो वगैरह बना के, जो कानूनी प्रोसीजर था वहाँ का, इनकेस वगैरह भर के डेड बॉडी सत्तार भाई की एम्बुलेंस में हम लोगों ने यहाँ पर मंगवाए। अभी मंगवाने के बाद उनके घर के लोग आ रहे हैं, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटे में इनकेस पंचनामा वो सब भर के, जो भी कानूनी प्रोसीजर है वो करने के तुरंत बाद, हमारे जितने भी सोशल वर्कर हैं यहाँ पे हेल्प के लिए रुके हुए हैं, वो करने के तुरंत बाद उन लोगों के घर वालों के ताबे में डेड बॉडी दे दी जाएगी। और मालेगांव शहर से हम लोगों का एक मैसेज है कि अगर आप लोगों को कोई तकलीफ़ या दिक्कत है तो आप अपने दोस्तों को या अपने घर वालों को शेयर करें, ऐसा कदम ना उठाए जिससे आपकी जान चली जाए। ये हम लोगों का मैसेज आप लोगों के लिए। सुलेमान भी कुछ बोले, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़द करने का जो मकसद है वो ये है कि मोरखा 28 अगस्त बरोज़ एतवार इस्कस हॉल के अंदर सद्भावना मंच का क़याम अमल में आएगा। इसके लिए पब्लिसिटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पैगाम पहुंचाना मकसूद है। इसीलिए आज तमाम जर्नलिस्ट, तमाम सहाफ़ी हजरात और मीडिया और डिपार्टमेंट के तमाम ही लोगों को मदऊ किया गया था ताकि इस मीडिया के ज़रिए शहर मालेगांव के तमाम मज़ाहिब के लोगों तक ये बात फैल जाए, पहुंच जाए कि जमीयत उलमा सुलेमानी चौक मालेगांव की ज़ेर एहतमाम सद्भावना मंच का इनेकाद अमल में आएगा। इसलिए हम लोग जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए थे और इसके ज़रिए से यही पैगाम देना मकसूद है कि मुल्क के अंदर अमन शांति कायम हो, यकजहती भाईचारा आम हो, हर तरह का नफ़रत का माहौल, भेदभाव ख़त्म हो, हर एक कौम के लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक हों ताकि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का हर बाशिंदा अमन शांति के साथ जिए और हमारा मुल्क हिंदुस्तान तरक्की पज़ीर हो, हर एक अच्छी तरीके से चैन सुकून की ज़िंदगी बसर करे। इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और सद्भावना जो है मंच का इनेकाद भी इसी अजीम मकासद के साथ इंशाअल्लाह क़याम पज़ीर होगा, अंजाम पज़ीर होगा। इस प्रोग्राम में जो है कौन कौन सी तंजीमें होगी और ये प्रोग्राम कहाँ और कब होने वाला है? इस 28 अगस्त बरोज़ एतवार 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये प्रोग्राम मुनक़िद होगा और इसमें शहर मालेगांव के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित और जितनी भी कौम के लोग हैं, सब धर्म गुरुओं को जो है दावत दी गई है, वो सब आकर इस जमीयत उलमा सुलेमानी चौक के मंच से अवामुन्नास से ख़िताब करेंगे, इत्तेहाद इत्तेफाक का पैगाम देंगे, भाईचारा की दावत देंगे, अमन शांति का माहौल किस तरीके से बने इसकी दावत देंगे और मुल्क के अंदर जो लाकानूनियत, अनारकी, भेदभाव,
नफ़रत का जहर घोलने की नापाक और मजमूम साजिशें पनप रही हैं और शरपसंद अनासिर फ़िरका परस ताकतें और इत्तेहाद को पारा पारा करने वाली जो तंजीमें बड़ी तेज़ी के साथ धर्म संसद के नाम पर मुल्क के इत्तेहाद को पारा पारा कर रही हैं, मुल्क की भाईचारगी को जो जहर नाकियों से ख़राब कर रहे हैं, उसके सद्देबाब के लिए मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जमियत उलमा हिंद 1000 प्रोग्राम मुनक़िद करेगी। उसी 1000 प्रोग्राम की एक कड़ी जमियत उलमा मालेगांव सुलेमानी चौक के ज़ेर एहतमाम 28 अगस्त बरोज़ एतवार 11 बजे से 2 बजे तक इस्कस हॉल किदवाई रोड पर भी ये प्रोग्राम मुनक़िद होगा।